दोस्तों जियो का 5G ऑफर अभी स्टार्ट हो गया है। शायद मेरे हिसाब से 10-15% फ़ोन होंगे जिसमें अभी जियो का वेलकम 5G ऑफर आ गया है। तो हमारे पास दो सिम है जिसमें 5G नेटवर्क आ गया है। तो आज हम कंपैरिजन कर रहे थे तो हमें एक आइडिया आया कि हम अभी एप्पल का 40 और सैमसंग S22 दोनों में जियो 5G सिम चढ़ाते हैं और दोनों का स्पीड टेस्ट करते हैं कि किस फ़ोन में कितनी स्पीड मिलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा एप्पल का 40 जो लेटेस्ट फ़ोन है। यहाँ पर 5G नेटवर्क आ गया है, आप देख सकते हैं। और ये रहा सैमसंग का S22, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5G। तो दोनों में हम एक साथ देखेंगे कि इसमें कितनी स्पीड मिलती है। तो दोनों में हमने क्लिक कर दिया है, तो अभी देखेंगे कि किस में कितनी स्पीड मिलती है नेट की। तो ये सैमसंग और एप्पल, तो एप्पल में ज़्यादा स्पीड मिली। सैमसंग में हमें मिली 274, ये डाउनलोडिंग स्पीड है, और अपलोडिंग स्पीड 30। और एप्पल की बात करें तो 491 डाउनलोडिंग स्पीड और 639 वो अपलोडिंग स्पीड। तो दोस्तों हमें एप्पल के फ़ोन में ज़्यादा स्पीड मिली है सैमसंग के कंपेयर में। तो दोस्तों एक सजेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है और उसमें 5G नहीं चल रहा है तो उसमें आपको अपडेट करना पड़ेगा 16.2 अपडेट होने के बाद उसमें 5G का ऑप्शन आ जाएगा। और 5G का ऑप्शन कैसे आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सेटिंग्स में जाना है, इस तरह का आपको सेटिंग दिखेगा, उसमें आपको मोबाइल डेटा में जाना है और यहाँ पर मोबाइल डेटा ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको 5G ऑन करना है और 5G यहाँ पर भी क्लिक करना है तो आपके फ़ोन में 5G ऑन हो जाएगा। अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको 16.2 अपडेट करना होगा। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन थी, तो ऐसा लगा कि आपके साथ शेयर कर लेते हैं और अभी इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूले, हमारी मेन चैनल रमेश बकोत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारी रमेश बकोत्रा ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करना ना भूले।